हेलो गाइस, आज आपको वीडियो में देखने को मिलेगा जो घरों पे दीवारों पे पेपर लगाते हैं, जिसे हम वाल पेपर कहते हैं, ये कैसे लगाए जाते हैं। इसको घरों में अपने आप लगाना बहुत ही आसान है। जैसे जैसे मैंने आपको वीडियो में विधि दिखानी है, वैसे वैसे आपने ये वाल पेपर अपने घर में लगा सकते हो। ये बहुत ही सस्ते पड़ते हैं, जैसे कि मेरे पास ये वाल पेपर पड़े हुए हैं। ये प्लेन है, रेड ग्रीन या जो ब्लू है, आपकी चॉइस है, आपकी पसंद है, आपने कैसा वाल पेपर अपने दीवारों पे लगाना है। जहाँ जो मेरे पास डिजाइन वाले हैं, ऐसे फूल है, इसमें अलग अलग तरह के फूल, ये आपकी चॉइस है, आपने आपकी पसंद कैसे लगाने हैं। ये ऐसे पेपर में पैक होते हैं, ये वाले में एक बंडल में 25 पीस होते हैं, और इसका साइज होता है 2x1.5 का। जैसे होता है ये वाला बड़ा है, ये पेपर आपको खा दिया मैंने, ये 2x1.5 का है ये पेपर एक। तो हम इनको अपने घरों में आराम से लगा सकते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको विधि बतानी है, वैसे वैसे आपने इसको लगाना है। जो ये वीडियो है आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करना है, ताँ जो लोगों को, जाना दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। तो अभी हम चलते हैं उस वीडियो की ओर, जो कि ये वाल पेपर है दीवारों को और दीवारों के ऊपर कैसे लगाने हैं। हेलो गाइज, आज हम आपको बताएंगे दीवार के ऊपर पेपर कैसे लगाया जाता है, जिसको हम वाल पेपर कहते हैं। दीवार के ऊपर पेपर लगाना बहुत ही आसान है, आप पड़े से लगाओगे और वो सस्ता भी पड़ता है। जैसे ये दीवार है हमारी, बिल्कुल कलर वाली है। अब हम इसके ऊपर वाल पेपर लगाएंगे, बड़ा ही आसान तरीका है वाल पेपर लगाने का, और आप अपने से घर में लगाओगे तो बहुत ही सस्ता ये पड़ता है वाल पेपर, बहुत ही बढ़िया भी बन जाएगा हमारा जो कमरा है वाल पेपर लगाने के बाद। जैसे जैसे मैंने ये विधि बतानी है, वैसे वैसे आपने विधि वाल पेपर अपने घर में लगा सकते हो। वाल पेपर लगाना बहुत ही आसान है और सस्ता पड़ता है, और बार बार कलर नहीं करना पड़ता है। सबसे पहले हमने लेनी है लेवी को, लेटी बोलते हैं, जिससे जो हमारी बुक है, जो किताबें के जिलते बनाई जाती है, वो लेटी लेवी बाज़ार से लेके आनी है। तो ये ले आके अच्छी तरह से घर में टप में डाल के घोल लो अच्छी तरह से इसको, जिसे मैंने डाल दी टप के अंदर। अब इसे अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे बिल्कुल। इसको हमने इसका पतला पतली पानी से बना देना, इसका जैसे हम गूंद लगाते हैं बिल्कुल पतली कर देनी चाहिए, पानी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद हमने जो वाल पेपर होते हैं उसके ऊपर ऐसे बुरश की सहायता से जो लेवी हमने गोली हुई, लेटी गोली हुई, इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे सारा। फिर हम इसको दीवार के ऊपर एक एक करके चिपकाते जाएंगे। पहले हमने वाल के जो दीवार है, दीवार के ऊपर भी हम जो लेटी का बुरश से इस्तेमाल करेंगे या रोलर से इस्तेमाल करेंगे, और वाल पेपर के भी लगा वाल पेपर के ऊपर भी लगाएंगे। पहले हमने दीवार के ऊपर भी सारी ये लेटी का बुरश मारा हुआ है, उसके बाद हम पेपर ऐसे लगाते जाना एक करके। ये पेपर हम लगाएंगे ऐसे ऐसे, बहुत ही आसान तरीका है ये पेपर, ऐसे लगाते जाओ धीरे धीरे, बहुत ही बढ़िया तरीका, आसान तरीका वाल पेपर लगाने का दीवार के ऊपर। आप अपने घरों में इसको लगा सकते हो, आसानी से लग जाता है जे, और सस्ता भी पड़ता है जे, बहुत सस्ता पड़ेगा आप देखो तो लगाओगे तो। जो दीवार के ऊपर हमने ये लेठी का लेठी लगानी है, या रोलर से लगा लो या बुरश से ऐसे लगा लो, आराम से लगाते जाओ, और पेपर के ऊपर भी लगानी है ऐसे ही, ताँ जो अच्छी तरह से जो पेपर और दीवार पर चिपक जाए। ये लगा दिया अच्छी तरह से हमने, इसके ऊपर हम पेपर लगा देंगे और आराम से पेपर चिपकते जाएंगे। बहुत ही
ये लगने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है कमरा, जैसे जैसे हमारा कमरा बन गया है बहुत ही अच्छा लग रहा है वॉल पेपर लगाने के बाद। तो हेलो गाइज, अगर आपको मुझे मेरी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, उनको भी ये मालूम हो सके वॉल पेपर हम अपने घर में आराम से खुद ही भी लगा सकते हैं। तो कितना अच्छा जो हमारा कमरा अब बन गया वॉल पेपर लगाने के बाद। तो आप भी ऐसे ही अपने घरों में वॉल पेपर लगा के अपने घर की सजावट कर सकते हो, बार बार आपको कलर पेंट नहीं करना पड़ेगा दीवारों के ऊपर, बहुत ही सस्ता पड़ता है। ये बाज़ार में से पेपर जो वॉल पेपर आराम से मिल जाते हैं पेपर, क्योंकि बहुत अच्छा हमारा जगह अभी कमरा बन गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।